हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं 32 बार के फॉर्मूला से। ये 32 बार के फॉर्मूला ने बहुत अच्छा काम कर रहा है कि काम हो जाता है फिर भी मन करता है कि दोबारा काम कर लें। वो ऐसे आप देखिए वीडियो में, क्योंकि मेरी जो मैड आ रही हैं जो डेली काम करने आती हैं, झाड़ू पोछा तो वो करके चली जाती हैं, फिर भी मेरा मन करता है कि मैं फिर से कर लूँ। तो मैं दिन में 2-3 बार झाड़ू लग जाती है। तो देखो, अब मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ शाम के टाइम में, और इतना खचड़ा पचड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अच्छा भी लगता है और एक्टिव से रहते हैं। अब मैं 3-4 दिन से ही स्टार्ट किया है और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ कैंडी की हो रही है कुछ मस्ती, तो देखिए आप भी। कैंडू बाबू क्या है, क्या है कैंडू बाबू? अच्छा, कैंडू बाबू डॉगी है, कैंडू के फेवरेट। ओ डॉगी, कुत्ते हैं कुत्ते, कुत्ते हैं कुत्ते। आओ कैंडी भौंकेगी आज, कैंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ये कह रही है कैंडी कि हमारे गार्डन में क्या कर रहे हो। कैंडी हमारी बहुत परेशान है कि चले जाओ यहाँ से। हाँ हो कैंडी, हट, चल चल। रोटी खाने आए हैं, मैं रोटी डाल देती हूँ। लो रोटी। कैंडी हमारी बिल्कुल पागल हो गई है। वो कैंडी कह रही है मेरी रोटी मत खाइए। अच्छा, एक डॉगी ये है, डॉगू डॉगू, और एक डॉगी ये है। और मेरी रितिका पढ़ रही है, और यहाँ पे मेरी माता जी, मतलब मदर, मेरी मामा। हेलो बोलो मामा। मामा हेलो बोल दो कैमरे में। हेलो, इधर देखिए फेस करके। हेलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे हैं, बता दीजिए। बहुत अच्छे हैं हम। आज सकल पर 12 बज रहे हैं, कृतिका देख रही है, और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब बादल छाए हुए हैं। कैंडू, मेरी कैंडू ये है। कैंडू अपनी YouTube फैमिली को नमस्ते करो। कैंडू हाँ, आई आई आई, नमस्ते करेगी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है फ्रेंड, और पक्षियाँ भी जाने लगे हैं अपने घर। कबूतर बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक इतनी अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो वेट लॉस में सबसे ज़्यादा कारगर है। तो उसके लिए मैं अपने तरीके से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए है अजवाइन, और लिया है शहद, और एक नींबू। दोबारा, तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं गैस को ऑन। गैस को ऑन करके ले लेते हैं एक फ्राईदान। फ्राईदान को रख लेते हैं गैस पर।
गैस पर रखकर हमने ले लिया है एक गिलास। आप मतलब किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हो। और ये ले लिया है मैंने पानी, पानी को मैं इसमें गिलास में डाल दूंगी। और ये मैंने ले लिया है एक गिलास पानी। और इसको हमें इतना करना है, इतना उबालना है। तो ये हमने एक गिलास पानी डाल दिया है। एक गिलास पानी डालकर जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तब हमें एक, जब पानी में उबाल आ जाएगा तो तब हम एक चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो आप बने रहना वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये पानी मेरा उबल चुका है, आप देख लीजिए। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भरकर अजवाइन। आप अजवाइन भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, आप अजवाइन भी डाल सकते हो, जीरा भी डाल सकते हो, अलसी भी डाल सकते हो। जो अलसी आती है मार्केट में उससे भी वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। और मैंने शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे मैं 32 बार के फॉर्मूले पे आ रही हूँ कि मतलब कैसे ही मेरा वेट लॉस हो, मुझे करना है तो करना है। तो ये मेरा पानी उबल चुका है, देखो इस तरीके से, देखो कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको थोड़ी देर और उबलने देंगे। तो ये मेरा उबल चुका है पानी। तो इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का गुनगुना होना चाहिए क्योंकि अब अभी सर्दी है। आप इसको, इस रेमेडी को मतलब सर्दी में भी पी सकते हो, गर्मी में भी पी सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ना ठंडा हो गया है इस तरीके से। अब इसको हम ना छान लेते हैं, इसको एक छलनी की सहायता से इसको हम छान लेते हैं। देखेंगे कि एक गिलास पानी को हमें कितना बचाना है। आप देख सकते हो ये हमारा आधा हो गया है पकते पकते। तो समझो कि हमारी अजवाइन का सारा फ्लेवर इसमें आ गया है। और इसको ठंडा होने दें, गर्म है अभी। और इसमें हम नींबू डालेंगे। अब इतना गर्म नहीं है कि ज़्यादा गर्म में नींबू ना डालें, हल्का गुनगुना कर लें। और ये हम नींबू डाल लेते हैं। इसमें हम पूरा एक नींबू डालेंगे, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा एक नींबू डल चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। इसमें एक बीज गिर गया है, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से निकाल लेते हैं और इसको चला देंगे इस तरीके से। अब बारी आती है सबसे ज़्यादा वेट लॉस में बहुत फ़ायदा करता है हनी। तो इसको हम एक चम्मच इसमें शहद डालेंगे। आप एक भी डाल सकते हो, दो भी डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा दो चम्मच डालूँगी जिससे कि ज़्यादा वो ना लगे खट्टा। और कोई भी चीज़, जिस चीज़ में स्वाद नहीं होता वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे नीम है, नीम में कोई स्वाद नहीं होता पर उसमें फ़ायदे कितने हैं नीम में, बहुत ज़्यादा। तो इस, ये रेमेडी हमारी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। और कितना अच्छा कलर आया है, ग्रीन टी की तरह। और इसको ना सिप सिप करके पिएंगे, ऐसे नहीं है कि एक ही घूंट में सारा पी गए, नहीं, तसल्ली से इसको कम से कम इसमें 15 मिनट आपको लगानी है, सिप सिप करके पीनी है इस तरीके से। और सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने स्टार्ट कर दिया है ये। और ज़रूर आप ट्राई करना फ्रेंड्स। और जो भी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। तो फ्रेंड्स,
इसलिए मैंने 15 मिनट में फिनिश कर ली, 15 से 20 हो गई है, और 15 से कम ना करें और सिप कर करके ही पिए। और ये आप दो टाइम ले सकते हो, एक सुबह मतलब मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में। तो शाम को इवनिंग में 5 बजे के आसपास आप ले लें और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक, 7:30 तक आप ले लें इसको। और इसे पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, मतलब जो आप नाश्ता जो करेंगे वो 1 घंटे के बाद करें। और शाम को भी, क्योंकि दोपहर में कुछ खा नहीं पाते हैं, फिर उसमें काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो शाम को 5 बजे के आसपास आप इसको पी सकते हो। क्योंकि 7-8 के आसपास आप लोग खाना खाते हो, तो आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर सकते हो और आपका वजन और वेट लॉस बहुत ही आसानी से और आराम से हो जाएगा। और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको दिखाऊँगी ब्लॉग के माध्यम से कि मैं किस तरीके से एक्सरसाइज कर रही हूँ अब धीरे धीरे। और मैं आपको